का माहौल स्मृति हाँ रानी चाची नहीं मिलेगा वोट पूरी तरह कहते सौ में सो नहीं मिल हम लोग नहीं देंगे ना देंगे ना जितना हमसे चलेगा ना तीन में सिलेंडर बोली थी तेरह तो रूपए किलो किलो में चीनी बोली थी और बहुत सारे वादे किए थे कोई वादे स्मृति रानी का जो कोई काम ही नहीं किए तो फिर दोबारा वोट सरकार से सवाल पूछेगा उसको अंदर कर देंगे हम अमेठी में मौजूद हैं ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह का गांव है हमारे पीछे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे संजय सिंह के आसपास के लोग हैं गांव के लोग हैं यहाँ अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी 2024 का चुनाव होने वाला है 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर जीत हासिल किया था लोगों के साथ है संजय सिंह इस समय आ, दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है कथित शराब घोटाले में लोगों के साथ हैं बात करेंगे स्मृति रानी का ये क्षेत्र है जी काम वाम की है यहाँ कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ भेटुआ ब्लॉक में कोई एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है संजय सिंह यहाँ आते हैं उनका गांव है हाँ उनका पैतृक गांव है वो आते हैं कोई काम पड़ा तो आते हैं फिर राजनेता है वो राज्यसभा सदस्य हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता लेकिन कोई भी फंक्शन हुआ किसी को जरूरत पड़ी अगर उनको सूचना मिले तो हर संभव प्रयास करते हैं कि मैं गांव पहुंचूं। अच्छा जब 2019 का चुनाव हुआ था तो आप लोग किसके साथ थे हम तो ईरानी जी के साथ थे लेकिन इस बार नहीं रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे क्यों, वो कोई काम नहीं किया तो, तो कहते हैं काम कोई है। एक भी काम दिखा दे पूरे ब्लॉक में बैठ हुआ दो हजार में आप वोट दिए थे इसमें। जी राहुल गांधी क्यों नहीं दिए राहुल गांधी को इसलिए नहीं देते ये हुआ कि एक एक बार इनको भी देखा जाए काफी दिन से गांधी परिवार है यहाँ पर इनको भी देख लिया जाए लेकिन अब वही हाल हुआ खोदा पहाड़ निकली चुखिया काम नहीं करो कोई काम नहीं किया क्या लगता है छह महीने में चुनाव होने वाला है क्या माहौल रहेगा माहौल यही रहेगा की वो तो चुनाव हंड्रेड परसेंट हार जाएंगे यहाँ से स्मृति रानी स्मृति रानी जी संजय सिंह रिश्ते में आपके क्या लगते हैं हमारे रिश्ते में बेटा लगता है अच्छा भतीजे नहीं बेटा मेरा लगता है वो अच्छा जी हमारे साथ चाची है, साथ चाची है। हाँ। कैसा रहेगा माहौल यहाँ स्मृति रानी चाची नहीं मिलेगा वो कहते सौ में सौ नहीं मिलता हम लोग नहीं देंगे मैं कहती हूँ एक रुपये में चार आना टिकाऊ के लिए कुछ की नहीं है वो क्यों क्यों दे वो बोली हम आएंगे कराएंगे वो कराएंगे वो कराएंगे कुछ नहीं कराये तो क्यों देंगे वोट दो हजार उन्नीस तो कुछ करेंगे नहीं तो हम देंगे क्यों दो हजार उन्नीस के समय किसको वोटवा दी थी उन्हीं को दिए थे यही स्मृति रानी को यही लगा था कि हम लोग पूरा खुला वोट दिए थे खुला वोट दिए थे मगर अब इस बार सच्चाई जो है वही कह रहे हैं कि नहीं देंगे ना देंगे ना जितना हमसे मब्बत चलेगा ना देने देंगे तेरह रुपया किलो चीनी देने को बोली थी इसमें तेरह बताओ कितना रुपया किलो चीनी है, दे रही है कि नहीं है मेठी में आप लोग बताइए नहीं दे रही है कहाँ दे रही है? तो रुपये में क्या क्या रहे हैं क्या कह रहे हैं भैया साढ़े तीन सौ रुपये में सिलेंडर बोली थी तेरह रुपये किलो किलो में चीनी बोली थी और बहुत सारे वादे किए थे कोई वादे सफल नहीं हुए चालीस रुपये लीटर पेट्रोल बोली थी डीजल पेट्रोल का दाम देखिए और चीनी का भाव देखिए सिलेंडर बारह सौ पहुँच गया है कैसे काम चलेगा आम आदमी रिश्ते में आप संजय सिंह के क्या लगते होंगे हम तो गाँव के हैं कोई रिश्ते में रिश्ते में तो नहीं लगते हैं नहीं कोई रिश्ते नहीं भाई हैं समझ लीजिए गाँव के हैं तो भाई हैं हाँ और संजय सिंह भैया हमारे बहुत अच्छे हैं किसी को गांव में हो चाहे बाहर हो प्रदेश में जहां भी उनकी पहुंचे पकड़ पकड़े उस जगह पे कहीं भी वो हो, हो अगर उनके समझ में आता है कि कोई आदमी परेशान है तो उनकी मदद भी कर दिया करते हैं और उन्हें कोई बीमार है तो कोई बीमार है तो वो खुद जो है कार्ड वार्ड बनवा के दिल्ली बुला उनका उनका अच्छी तरीके से सफल इलाज भी करा देते हैं मुफ्त में एक पैसा नहीं लगता ये बहुत कुछ सौभाग्य है भैया का कि वो गरीबों के लिए लोकसभा चुनाव में किसके साथ थे आप लोग दो 2019 लोकसभा सब, लोकसभा चुनाव में हम लोग तो सब बीजेपी की तरफ थे मगर अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप लोग उनके गांव के हैं तो आप कैसे बीच में चले गए संजय सिंह कहे नहीं कि वो दीजिए वो हर हर मोदी घर घर मोदी की लहर निकल गई थी उसी लहर में सारी जनता बह गई वाले संजय सिंह अपना गांव घर नहीं थाम पाए मतलब आ नहीं पाए थे ना इतना बिजी हो गए थे भैया वहाँ की यहाँ आ नहीं पाए थे यहाँ आते तो कुछ ना कुछ माहौल चेंज होता मगर वो टाइम ऐसा था कि जो है बहुत सारे लोग भावनाओं में रह गए और वो उसी तरफ चले गए हम तो आपको बताते चलें कि ये जो गांव है यहाँ पे ज़्यादातर वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे लेकिन इस समय नाराज चल रहे हैं कैसा रहेगा माहौल 2024 में ये संजय सिंह का गांव है आप लोग 2019 के समय किसके साथ थे अब क्या क्या बताए माहौल जो काम करे रहे वही माहौल रहे काम कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी नहीं मोदी जी कर रहे हैं काम कर रहे हैं और काम मोदी जी बहुत कर रहे हैं विकास क्या कर रहे हैं राशन दे रहे हैं पैसा दे रहे हैं खतौनी हर चीज है संजय सिंह को गिरफ्तार करवा दिए हैं आपके गांव के हैं संजय सिंह को दो में क्या माहौल रहेगा यहाँ अमेठी में माहौल वैसा ही रहेगा मिलता जुलता थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा किसके पक्ष में इधर उधर कांग्रेस और बीजेपी यही दो चलेगी यहाँ और आपकी तो वैसे कांग्रेस फिर आएगी यहाँ अमेठी में हाँ कहा थे कि इनके कोनो काम भा नहीं ना तो स्मृति ईरानी काम की इनके हाँ। कुछ नहीं ये तो धारावाहिक काम करने वाली है जैसा आपने उसमें किया है ऐसा तो किया नहीं हकीकत में तो धारावाहिक के हिसाब से काम किया होता तो हम लोग भी तो देखते कि हाँ चलो काम किया है जो बोल के गई वो भी नहीं किया है यहाँ पे तो उसको वोट क्यों देंगे हम लोग आपके गांव के हैं संजय सिंह उनको गिरफ्तार करवा दिया गया जी क्या कहेंगे इसके बारे में वो गलत है अब ये इनकी सरकार चल रही है जो सरकार से सवाल पूछेगा उसको अंदर कर देंगे कि आगे नहीं बोल पाए वो ऐसा है 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोग किसके साथ थे हम लोग बीजेपी के साथ थे बीजेपी का फुल सपोर्ट किया था बीजेपी के लिए वोट मांगे थे में भी नहीं देंगे बोल दे रहे हैं, दो हजार दे रहे हैं भाई वो तो देना पड़ेगा ये अमेठी में ही दे रहे हैं हर जिले में दे रहे हैं वो तो पूरे इंडिया में लागू है तो आप लोग नहीं साथ रहेंगे फिर चौबीस हम लोगों को कुछ काम ही नहीं दिखा है तो क्यों रहेंगे हाँ केंद्र में तो रहे चलो सरकार ठीक है केंद्र सरकार ठीक है ये सांसद विधायक जो है यहाँ पे केंद्र वाला चुनाव है चाचा हाँ। दो हजार चौबीस में छह महीना बाद तो ये यहाँ से तो आपकी ये भाई ये टिकावर बीजेपी को बहुत कमोट करेगा हाँ आप लोगों के साथ नहीं है। बताओ हमारे गांव के राजनेता है या। उनको खाली पीली में फंसा के बदनाम किया जा रहा है उनकी छवि खराब की जा रही है कितने कितनों का इलाज कराया उन्होंने ले जाके यहाँ से वेदांता तक पहुँचाया है यहाँ के आदमी गए वेदांता में इलाज करानता हाँ हा, वहाँ तक इलाज करा के आए हैं तो सब थोड़ी ना पहुँच सकता है वहाँ तक कैसा रहेगा भैया माहौल यहाँ पे माहौल तो आपकी बहुत गड़बड़ है किसके लिए गड़बड़ राहुल गांधी के लिए नहीं स्मृति रानी के लिए क्या ही गड़बड़ है बोल रहे काम खूब करवाए हैं हम कहाँ काम कराए हैं बताइए बोलती हैं कि अमेठी को गांधी परिवार ने लूट लिया हम जब से आए हैं साढ़े चार साल में अमेठी को चमका दिए साढ़े चार साल में खुद ही लूट ली कौन लूट लिया स्मृति रानी। स्मृति ईरानी रानी। कहीं दिखा दो हमको थोड़ा काम सड़के वड़के बनवा तो रही कहा, है कहाँ बनाए किलो राशन दे रही है अरे वो पाँच किलो राशन ले ले दो हजार रुपया दे रहे हैं फिर देखो सब कितने खा ले रहे हैं ये जो साढ़ छूटे है ये कितना राशन खा ले रहे हैं तो है। दिन में दिहाड़ी करें रात में साढ़ रखाए साठ जाते रखा नहीं कौन जाएगा भाई घर में अकेले हैं तो कौन जाएगा कितना बोए हैं खेत वेत हाई एक बीघा खेतो यादगा कितना निकल जाता है फिर आई कौन ज्यादा देखा चल रहे हैं सारा धान चल उठा है कहाँ पाएंगे अब इससे पहले 2019 में माहौल क्या था इस गांव में स्मृति ईरानी के पक्ष में था कि राहुल गांधी के पक्ष में था नहीं हम तो भाई राहुल गांधी के साथ थे 2019 में भी हाँ राहुल गांधी के साथ में ही थे कांग्रेस नेता है का नहीं कांग्रेस नेता वाली बात नहीं है हमारे यहाँ के विधानसभा के नेता हैं वो उनके साथ थे और हैं और रहेंगे चलिए तो हम अमेठी लोकसभा में मौजूद थे संजय गांधी का ये गांव है और लोगों से बात कर रहे थे अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दिया अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद